अच्छा, बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो करण जौहर को ही ट्रोल कर दे। अब शाहरुख खान का तो आप सबको पता ही है, लेकिन दूसरे हैं अक्षय कुमार, जो बिंदास जो भी मन में आता है ना बस बोल देते हैं। So guys, it's Tunakshi Kalra and you are watching Coffee with Tunakshi on Entertainment Live. So sorry यार, वो अभी ना मैं जल्दी से देख कर आई हूँ ना Coffee with Karan, तो उसी का कहीं ना असर हो गया। So guys, it's coffee time and अभी मैं आ गई हूँ आपके लिए Coffee with Karan के थर्ड एपिसोड का रिव्यू लेकर, जहाँ पर गेस्ट बन के आए अक्षय कुमार अलॉन्ग विद द एक्ट्रेस जिनके ऊ अंतवा ने पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन Samantha Prabhu. So, Coffee with Karan पर कर लिया है साउथ की सुपरस्टार Samantha Prabhu ने अपना डेब्यू। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अक्षय कुमार करते हैं करण जौहर को खुलकर ट्रोल, और वो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी बल्कि Samantha को यही एडवाइस देते हैं कि जब भी कोई जवाब ना देना हो तो करण जौहर से बस नेपोटिज्म को लेकर बात कर लो। सो अब इस एपिसोड की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के और मैक्स की लिस्ट में होने की भी बात हुई, उनकी वाइफ टीना यानी ट्विंकल खन्ना के बिना डरे कुछ भी लिखने पर भी बात हुई, और उसकी भी बात हुई जिसके जवाब Samantha के सारे फैंस को चाहिए थे। यस, तो Samantha ने बहुत ही अच्छी तरह से खुलकर बात की है अपने एक्स हस्बैंड के बारे में भी, और अपनी उनके साथ इक्वेशन के बारे में भी, और इस पर भी कि उनको कितनी एलिमनी मिली थी। तो पहले तो करण जौहर ने बताया कि अक्षय कुमार इज दी ओनली बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑन ऑर्मैक्स टॉप 10 लिस्ट, जिस पर अक्षय कुमार ने क्लियरली बोला कि बाकी एक्टर्स के नाम इस पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो 2 हीरो और 3 हीरो फिल्म नहीं करना चाहते, जिस पर कहीं ना कहीं करण जौहर ने भी अग्री किया है। अक्षय कुमार के साथ साथ Samantha भी है ऑर्मैक्स की टॉप 10 लिस्ट में, और यहाँ पर करण जौहर ये भी बोलते हैं कि यही कहीं ना कहीं रीजन था इन दोनों गेस्ट को एक साथ बुलाने का। यहाँ Samantha ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर भी बात करी है, अपने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से कैसी बातचीत उनकी होती है उस पर भी बात करी है, जहाँ पर करण ने Samantha से पूछा डज शी हैव एनी हार्श फीलिंग्स फॉर हिम नाउ, जिस पर Samantha ने कहा हाँ, अगर आप चाहते हो हम दोनों को सेम रूम में रखना तो आपको क्लियरली शार्प ऑब्जेक्ट्स छुपाने पड़ेंगे। अब इसका मतलब तो आप और मैं समझ ही गए कि एक्चुअली में क्या स्टेटस है। बट यस, Samantha ने यहाँ पर यह भी एक्सेप्ट किया है कि डिवोर्स का पीरियड उनके लिए था काफी हार्ड, लेकिन अब वो ठीक है। यहाँ Samantha के ऊ अंतवा गाने पर भी बात हुई, जहाँ उन्होंने बताए लोगों के रिएक्शंस उस गाने पर, और ये भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इस बोल्ड सॉन्ग को किया था। वहीं अक्षय कुमार बताते हैं अपनी सक्सेसफुल मैरिज का सीक्रेट कि कैसे उन्हें ट्विंकल खन्ना पूरा टाइम रोस्ट करती रहती है एंड ही सिंपली लिसन्स टू हर। यहाँ तो Samantha भी करण को टारगेट करने से पीछे नहीं हटी, उन्होंने कह दिया कि करण जौहर ही है असली रीजन अनहैप्पी मैरिजेस के। आप दिखाते हो कि मैरिजेस होती है K3G, पर असल लाइफ में मैरिजेस होती है KGF, जिसे सुनकर तीनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ करण जौहर अपनी सेक्स लाइफ पर भी बात करते हुए दिखाई दिए, और वो अपनी सेक्स लाइफ को कंपेयर करते हैं Samantha की लव लाइफ से, जहाँ पर करण जौहर Samantha से पूछते हैं सो आर यू ओपन टू लव नाउ, वेल इसका जवाब Samantha क्या देती हैं क्या नहीं ये आपको खुद जाकर देखना चाहिए। इस एपिसोड में अक्षय कुमार ने यह भी बताया है कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्में करना शुरू क्यों और कैसे किया था। वही Samantha ने अपना रीजन बताया कि घर के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। जानी दुश्मन के हिलेरियस किस्सों से लेकर Samantha की एल्युमिनी की झूठी खबर और ट्रोलिंग को लेकर यहाँ पर सब पर खुल के बातें हुई हैं। इतनी बातचीत के बाद टाइम आता है रैपिड फायर का, जहाँ फुल ऑन अक्षय कुमार ने Samantha को कर दिया है क्लीन बोल्ड। ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ अक्षय कुमार बनते हैं मैरिज एक्सपर्ट और वो मैरिज एडवाइस देते हैं रणबीर, विकी कौशल और कैटरीना कैफ को। वही Samantha क्लियरली स्मिटन है रणबीर सिंह से, और कौन नहीं होगा यार, क्योंकि उनके जवाब में हर जगह आपको सिर्फ रणबीर सिंह का ही नाम सुनाई देता है। और हाँ, यहाँ पर एक और वर्ड भी डिस्कवर किया गया है, और वो वर्ड है रणबीर फाइट, एंड दिस वर्ड इज फॉर ऑल द पीपल हु आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद रणबीर सिंह। जिससे मुझे याद आया, क्या आपने रणबीर सिंह की लेटेस्ट फोटोज देखी है? गॉड, उनमें गट्स है और वो बहुत ही बोल्ड है और वो बहुत ज्यादा हॉट भी है। एनीवे, यहाँ अक्षय कुमार ने ये भी बताया कि क्या है वो चीज जिससे पूरा का पूरा बॉलीवुड है ऑब्सेस्ड और वो उसे बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते। यहाँ भी अक्षय कुमार ने दिया कुछ ऐसा जवाब जिसे सुनकर किसी की भी हंसी नहीं रुकी। अब ट्विंकल खन्ना का तो यार हम सबको पता ही है कि वो कुछ भी लिखने से, अपने ओपिनियंस लिखने से बिल्कुल नहीं डरती, और यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि अक्षय कुमार ही है वो जो अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ भी बुरा ना लिखे। इस बार रैपिड फायर तो हुआ, लेकिन बिंगो गेम नहीं हुआ, जो मैंने बहुत ज्यादा मिस किया और आई एम श्योर आप भी करने वाले हो। वेल, आई एम श्योर अगर वो गेम भी होता तो यहाँ पर हमें काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती, स्पेशली अबाउट Samantha Prabhu। लेकिन हाँ, यहाँ पर बजर गेम जरूर हुआ है।
अब बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड की जंग तो कब से चलती आ रही है, तो यहाँ भी जब करण जौहर ने गलती से बोल दिया कि यहाँ मैं बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, तो समांथा ने इमीडिएटली बोला कि बॉलीवुड क्यों, टॉलीवुड क्यों नहीं, जिसे कवर अप करते हुए करण जौहर ने कहा कि हाँ वही बॉली टॉली। यहाँ कोई इंटरेस्टिंग मूवीज गेस्ट की जाती है विद सिंबॉलिक पोस्टर्स, और हाँ यहाँ का क्लियरली हाईलाइट था समांथा प्रभु और अक्षय कुमार का डांस ऑन ओ अंतवा सॉन्ग। यहाँ पर बस एक ट्विस्ट था कि यहाँ पर जो भी करण जौहर डांस फॉर्म का नाम लेते हैं उन दोनों को वही बीच बीच में चेंज करनी पड़ती है। मुझे बस यहाँ पर एक ही चीज अजीब लगी ऑनेस्टली, जब करण जौहर ने कहा कि नाउ बॉलीवुड डांस फॉर्म, और उसे सुनकर समांथा प्रभु डायरेक्टली पूछती है व्हाट इज बॉलीवुड, जिसके बाद अक्षय कुमार उनको लिफ्ट करते हुए डांस करते हैं। मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ कि समांथा प्रभु ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वो मुझे बहुत कंफर्टेबल भी नहीं लगी, बिकॉज उसके बाद समांथा ने डायरेक्टली बोल दिया आई माइट नीड एन एम्बुलेंस नाउ। लास्ट सेगमेंट में अक्षय कुमार ने टीना यानी अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को कॉल किया एंड देन रितेश को कॉल किया, वही समांथा ने कॉल किया तमन्ना भाटिया और राणा दग्गुबती को। अब कौन कौन सा राउंड जीतता है, कितना स्कोर करता है, ये आप खुद ही देख लेना। बट ऑल आई कैन से इज दैट दिस एपिसोड वॉज श्योरली इंटरेस्टिंग, बट इसको मेनली इंटरेस्टिंग बनाया है समांथा प्रभु ने, और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने भी अपने वन लाइन आंसर से। अब आप देखना और मुझे बताना कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही अगली वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीक भी मिलूंगी अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और तब तक मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। आई नो यार ये कॉफ़ी तो नॉर्मल सी है क्योंकि हमारा बजट नहीं है ना करण जौहर वाले मग का, बट एनीवे मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही अगले वीडियो में।